नाल ही मेरे पिता जी, नाल ही सरदार सुजान सिंह जी, नाल ही सरदार सोहन सिंह जी, चारों का इतने एको संस्कार किया तो फिर किले चले गए। चाले पास तो तुम आए हो इतने किया, सो सत्संग देखो क्या कमाल का दृश्य होया होना। और वह बजुर्ग जिन्हों ने सब कुछ अपने अखी देखे, असी संस्कार करके मैं रोंदा रोंद असी गए जाके बजुर्ग साढ़े पास ने बदकिस्मती साड़ी बई अज 74 साल तक असी कदे इतिहास जिहड़ा बाहर नहीं कढ़िया। ये वो साढ़े बजुर्ग ने जिन्हां दे पिता जी इत्थे इस जंग दे विच शहीद, ताया जी शहीद, इस थां ते उन्हां दा जिहड़ा संस्कार किया गया, अज ये जिहड़ा है शहीदी स्तंभ बनाया गया। और वो सामने पार तुसीं किला देखो, उस किले दे विच इत्थों फिर ये उत्थे गए, उस किले दे विच जिहड़ा सी पूरे पिंड दे लोक इकट्ठे ने और लंबा समा उस किले दे विच रहे ने। सो यह साड्या बजुर्गों की वह बहादरी है सचमुच, जे हिंदुस्तान दे विच इस दी आज़ादी की गल करिए जां इहदी राखी की गल करिए, तो शाह मुहम्मद लिखता है सचमुच शाह मुहम्मद एक दार बाजों फौजां जित के अंत नूं हारियां ने। तो उत्थे उन्हें ने एक नाल एक बड़े कमाल की गल कही सी कि अज होवे सरकार तां मुल पावे जिहड़ियां तेगां सिंघां ने मारियां ने। सचमुच जिहड़ियां तेगां सिंघां ने चलाईयां ने उन्होंने लंबा समा तक हिंदुस्तान की जिहड़ी गुलामी सी एक गुलामी नूं कट के रखिया है। और यह साडे बजुर्ग जिन्हां दे वड्डे वडेरियां ने यह पूरा इलाका जिहड़ा सी